हेलो दोस्तों आपका एसएससी जी के ज्ञान में स्वागत है आज हम आपके लिए पहाड़ा अर्थात टेबल लाए हैं जिससे हम किसी भी संख्या को एक साथ ट्रिक से उसके पहाड़ों को याद करेंगे यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो किसी भी संख्या के पहाड़ा को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये यदि आप इस ट्रिक को समझते हैं तो ज़िंदगी भर कभी भी किसी भी संख्या पहाड़ा को भूलेंगे नहीं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें तो चलिए हम आपको बताते हैं जैसे आपको ग्यारह का पहाड़ लिखना है देखिए दोस्तों कितने का पहाड़ा ग्यारह का पढ़ा लिखना है इसको पर आप ध्यान से देखिए यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आप ग्यारह से ले कर निन्यानवे तक के पहाड़ा आप इसी ट्रिक से आप लिख सकते हैं देखिए पहले एक एक का पहाड़ा लिखिए तो देखिए एक का एक होगा दो होगा तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस फिर इसी तरह इसका भी लिखिए आप देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अब देखिए इसके बाद क्या करना है यदि दो अंक हैं तो इन दोनों को आपस में मिला के लिखिए जैसे ये एक, एक मिलकर लिखिएगा तो ग्यारह हो जाएगा दो दो को मिला के लिखेंगे तो बाईस हो जाएगा तीन तीन को मिला के लिखेंगे तो तैंतीस हो जाएगा चार चार को मिला के लिखिए चौवालीस पाँच पाँच को मिला के लिखिए पचपन सॉरी छः छः को मिला के लिखिए छः छठ सात सात को मिला के लिखिए सात सतहत्तर आठ को मिला के लिखेंगे इसको अट्ठासी बोलेंगे नौ निन्यानवे देखिए अब देखिए यहाँ दो अंक यहाँ अभी तो एक अंक अंक था तो इस तरह लिख रहे थे मगर जब दो दो अंक हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे तो इसके लिखने के लिए इसको ध्यान से देखिए आप यहाँ पे एक है तो पहले आप इसी को लिखिए एक को मतलब दस और दस तो इसमें पहले जीरो को आप यहाँ उतार लीजिए इस जीरो को फिर इसके बाद दस में एक जोड़ दीजिए दस एक ग्यारह देखिए ये आपका पहाड़ा बन के तैयार हो गया देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे ग्यारह के ग्यारह ग्यारह दोनों के बाईस ग्यारह तीन तैंतीस ग्यारह चौवालीस ग्यारह पचे पचपन ग्यारह छः छाछठ ग्यारह सतहत्तर ग्यारह अट्ठासी ग्यारह निन्यानवे ग्यारह दह में एक सौ दस अब इसी तरह दोस्तों आप बारह हो तेरह हो चौदह हो पंद्रह हो तक लिख सकते हैं <coughs> सॉरी जैसे आपको लिखना है सत्रह का पहाड़ा जैसे आपको दोस्तों सत्रह का पहाड़ा लिखना है तो सत्रह को कैसे लिखेंगे पहले एक का पढ़ा लिख लीजिए एक का पढ़ा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहाँ एक का पढ़ा होगा अब इसी तरह अब सात का पढ़ा याद लिखिए देखिए सात के यम सात सात गुना के चौदह सात त्री के इक्कीस सात चौक को अट्ठाइस सात पच पैंतीस सात छक बयालीस सत सत्य उनचास सात आठ छप्पन सात नवा तिरसठ सात दहा में सत्तर अब यही फार्म लिखे थे कि एक और दो एक और दो दो अंक होते इसको आपस में मिला के लिखिए मगर यहाँ पे देखिए एक अंक यहाँ पे है और दो तो तीन अंक हो गया इसमें आप पहले इस वाले अंक को यहाँ पर उतार दीजिएगा और एक जो है एक को दो में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा चौंतीस हो जाएगा इसी तरह एक को यहाँ पर उतारिए तीन दो पाँच हो जाएगा आठ को यहाँ पर उतारिए चार दो छ हो जाएगा पाँच को यहाँ पर उतारिए पाँच तीन आठ हो जाएगा दो को यहाँ पर उतारिए छः चार दस हो जाएगा नौ को यहाँ पर उतारिए नौ को यहाँ पर उतारिए सात चार ग्यारह हो जाएगा छः को यहाँ पर उतारिए आठ पाँच तेरह हो जाएगा देखिए अब तीन को यहाँ पर उतार दीजिए नौ छः पंद्रह हो जाएगा अब यहाँ पे जीरो को उतारिए तो दस में सात जोड़ेंगे तो सत्रह हो जाएगा अब इसको पढ़ लीजिए एक सत्रह के सत्रह सत्रह दो का चौंतीस सत्रह इक्यावन सत्रह चौक अड़सठ सत्रह पचप पचासी सत्रह छः का एक सौ दो सत्रह सत्रह एक सौ उन्नीस सत्रह वाठ एक सौ छत्तीस सत्रह नवा एक सौ तिरपन सत्रह दाह में एक सौ सत्रह देखिए दोस्तों कितना सिंपल है अब इसी तरह आप तो मान लीजिए ग्यारह सत्रह या इसी तरह एक से लेके लिख सकते हैं मगर दोस्तों आप कर, आप में डाउट होगा कि जैसे दस बीस तीस चालीस पचास का आ जाता तो है उसको कैसे लिखते हैं इसमें आप हम आपको एक बीस का लिख के बता देते हैं जैसे देखिए बीस का बीस का कैसे लिखेंगे उसी तरह लिखना है बीस का पहाड़ा देखिए इसी तरह लिखना है पहले क्या करना है दो का पहाड़ा लिखिए दो एक दो नार दो तेई छ चौक को आठ दो पाँच दस दो छ का बारह दो सात चौदह दो आठ है सोलह दुनवा अट्ठारह दो दाम बीस अब देखिए ये हो गया यदि आपके साथ जीरो आता है तो जीरो का पढ़ा जानते हैं आप कितना भी किसी भी संख्या में जब उसका पढ़ा पढ़ेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। तो जीरो का जब पढ़ा पढ़ा पढ़ेंगे तो हमेशा जीरो देखिए यहाँ भी जीरो उतार दीजिए यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो 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 जीरो, जीरो, जीरो 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 देखिए इन सब को उतार दीजिए यदि दो अंक है तो इनको आपस में मिला के लिखिए बीस हो जाएगा चार जीरो के लिखेंगे तो चालीस हो जाएगा छः जीरो के लिखेंगे तो साठ हो जाएगा आठ जीरो के लिखेंगे तो अस्सी हो जाएगा देखिए यहाँ पे तीन अंक है तो पहले यहाँ पे जीरो उतार लीजिए ये दस है तो दस को दस उतार दीजिए ये जीरो उतारिए फिर बारह उतारिए फिर जीरो उतारिए फिर चौदह उतारिए फिर जीरो उतारिए फिर सोलह उतारिए जीरो फिर अट्ठारह इसी तरह जीरो जीरो अब इसको पढ़ लीजिए देखिए पढ़ा कैसे जाएगा बीस एक में बीस बीस दोनों का चालीस बीस साठ बीस चौको अस्सी बीस पचास सौ बीस छक्का एक सौ बीस बीस सात एक सौ चालीस बीस सौ आठ एक सौ साठ बीस नवा एक सौ अस्सी बीस दहा में दो सौ देखिए दोस्तों बीस का पढ़ा कितना सिंपल है अब इसी तरह आप जैसे तेईस चौबीस पच्चीस या नब्बे यानी कि देखिए आपको बीस की जगह पर तीस चालीस किसी का लिखना हो इसी तरह लिख सकते हैं बीस का लिख दिए तीस का चालीस का पचास का साठ का सत्तर का अस्सी का नब्बे का सौ का किसी का लिखेंगे इसी तरह लिखना है अब जैसे इक्कीस हुआ बाईस हुआ तेईस हुआ चौबीस हुआ पच्चीस छब्बीस उनतीस तक देखिए बीस का लिखे हैं अब इसके बाद आपको हम छब्बीस का बता देते हैं देखिए दोस्तों जैसे छब्बीस हुआ छब्बीस का लिखना है कैसे लिखेंगे छब्बीस का लिखने के लिए वही फार्मूला जो यहाँ पे आपको हम बताएं वही फार्मूला लिखे गए देखिए दो का लिखिए दू का एम दो चार दो तेईस छ दो चौको आठ दो पाँच दस दो छ का बारह दो सात है चौदह सॉरी ये चौदह है दो आठ सोलह दो नवा अट्ठारह दो में बीस जैसे अब ये हो गया अब दो का पढ़ा लिखने के बाद अब छ का पढ़ा लिखिए छ का कैसे लिखेंगे छ एम छः छः दुना के बारह छत्री अट्ठारह छ चौको चौबीस तीस पच छ के छत्तीस छ सत बयालीस छ अड़तालीस छ नमह चौवन छः दाह साठ देखिए दोस्तों जैसे अब यहाँ पे हम सब ग्यारह का लिखे सत्रह बीस किसी का भी लिखे हैं तो जिस तरह ये लिखें उसी तरह लिखना है देखिए इसको दोनों का आपस में मिला तो ये छब्बीस हो जाएगा इसको देखिए दो अंक इधरों का एक इधर इस साइड तो यहाँ पर पहले दो है तो दो उतार लीजिए और चार और एक में जोड़ दीजिए पाँच हो जाएगा इसी तरह सबको लिखिए आठ छः एक सात हो जाएगा चार आठ दो दस यहाँ जीरो उतारिए दस में तीन जोड़ेंगे तेरह हो जाएगा यहाँ पे छः उतारिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं यहाँ पे पर उतारिए बारह तीन पंद्रह हो जाएगा यहाँ पे दो उतारिए चौदह चार सोलह हो जाएगा चार चार अट्ठारह अट्ठारह होगा यहाँ पे आठ उतारिए यहाँ पे बीस हो जाएगा सोलह चार बीस यहाँ पे चार उतारिए तेईस हो जाएगा देखिए यहाँ पे जीरो उतार दीजिए और बीस में छः जोड़ोगे छब्बीस देखिए दोस्तों कितना सिंपल है आप चाहे छब्बीस का सत्ताईस का बयालीस का पचपन का किसी का पहाड़ इसी तरह लिख सकते हैं दोस्तों आप इसी तरह किसी की कि संख्या का पहाड़ लिख सकते हैं इसमें आपको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए साठ ट्रिक है यदि एक भी संख्या का ट्रिक यदि आपको पता चल गया होगा तो उसी स, उसी ट्रिक से सभी संख्या का लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हमने कुछ प्रैक्टिस के रूप में बताए हैं जैसे ग्यारह का बारह का तेरह का चौदह और पंद्रह इन सब का या इसी तरह किसी भी संख्या का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इसको आप देखिएगा आप इसको देख के ग्यारह बारह तेरह का लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए 21, 22, 23 और 24 का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको ये ट्रिक अदम जबान पे याद हो जाए दोस्तों यदि ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग